अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कैसे करें, आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और आपके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है इन दोनों को लिंक करने के लिए, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सतन मेहरा, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि SBI के नियम बदलते रहते हैं, और इससे पहले क्या नियम था इन दोनों को लिंक करने का, आज तारीख है 17/7/2019, तो ये नियम मैं आज के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद अगर नियम चेंज हो जाता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए आज का मैं बता रहा हूँ कि आज प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले क्या था कि इन दोनों को, आधार कार्ड को और अपने अगर बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो आपको SMS के जरिए भी आप लिंक कर सकते थे अपने मोबाइल से। और दूसरा तरीका था कि अगर ATM मशीन में जाके अगर आपके पास ATM कार्ड है तो उसकी मदद से भी आप इन दोनों को लिंक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो ATM मशीन में भी ये वाला ऑप्शन देता था। लेकिन ये सब मैंने करके देख लिया और मैंने कस्टमर केयर में भी फ़ोन किया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये वाली रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, मैं थोड़ी देर पहले करके आपको बता देता हूँ, तो आप सुन लीजिए। डैड, मैं इन्वेस्टमेंट करने बैंक जा रहा हूँ। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM पिन, पी पिन, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। डैड, मैं इन्वेस्टमेंट करने बैंक जा रहा हूँ। नमस्कार, जीनाता से क्या सहायता कर सकते हूँ? हाँ जी, आधार कार्ड को बैंक से लिंक कैसे करें मैसेज के द्वारा? जी जरूर, आपकी सहायता की जाएगी। सर, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, सर। होम ब्रांच से आप कर सकते हैं। अच्छा, मैसेज थ्रू नहीं होगा? नहीं सर, मैसेज के थ्रू या कोई भी माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको ब्रांच में ही जाना होगा सर। तो आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया, अभी आप इस तरफ भी आते हैं ATM मशीन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाली बटन भी काम नहीं कर रही है अभी, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन बंद कर दिया है, ठीक है। अभी क्या हो गया, प्रैक्टिकली आपको अपनी ब्रांच नज़दीक की आपको जाना पड़ेगा अपना जो आधार कार्ड लेके और इसका जो पासबुक है ना, इन दोनों को लेके आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा। और आपका ये हाथों हाथ आपका 5 मिनट में काम हो जाएगा, दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं लगता इसमें। आप दोनों इन दोनों को लेके जाइए, आप अपना आधार कार्ड और पासबुक लेके जाइए आपस में, और वहाँ पर बोलिए उनको मुझे इन दोनों को लिंक करना है। अगर लिंक पहले से होगा तो वो लोग चेक कर देंगे, ठीक है। आप ये भी चेक करा लीजिए कि पहले से लिंक तो नहीं है, अगर लिंक होगा तो ये लोग बता देंगे वो लिंक नहीं है, तो 5 मिनट में कर देंगे, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।